नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार, फिर से स्वागत है आपके ही अपने YouTube चैनल द ब्रैडो में। और आज हम आपको दिखाने वाले हैं कि क्या बड़ी मम्मी कर रही है। तो बड़ी मम्मी से पूछते हैं ये क्या हो रहा है और इसका क्या यूज़ है। तो आप भी बनी रहिए वीडियो में और देखिए बड़ी माँ हमारी क्या कर रही है। और अगर आपको उनका काम अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। तो दोस्तों ये देखो क्या हो रहा है, ये पूछते हैं बड़ी माँ से। बड़ी माँ, बड़ी माँ, क्या हो रहा है ये, क्या क्या है ये? लाई है। लाई? हाँ, पत्ता गोभी। पत्ता गोभी? पत्ता गोभी के दाने। पत्ता गोभी के दाने? हाँ। या सरसों के दाने? सरसों के दाने नहीं है ये। सरसों के दाने नहीं है, गोभी है, लाई गोभी। लाई गोभी? हाँ। ये कौन सी होती है? लाई गोभी अलग प्रकार की होती है। और सरसों, इससे तेल नहीं बनेगा क्या सरसों का? इससे भी बनेगा तेल। इससे भी तेल बनेगा? अच्छा, कितना किलो तेल निकल जाएगा? अब भैया वो तो कोने पर बात है। कितना किलो निकल गया है तुम्हारा? अब जितना भी निकलेगा, 1-1.5 किलो तो हो ही गया है। अच्छा, इसमें तेल कितना निकलेगा? निकलेगा आधा किलो। आधा किलो? आधा किलो, 1 किलो। अच्छा, ये बोया कहाँ था तुमने? यहाँ पे। अच्छा, सामने ही? हाँ। जो काट रहेगा तुमने बाड़े से? हाँ। अच्छा दोस्तों, वही ब्रैडो को देखो, ब्रैडो कहाँ सोया हुआ है अभी। ब्रैडो ये सोया हुआ है। ब्रैडो यहाँ सो रहा है, चलेगा अंदर? चलेगा। तो जैसे दोस्तों अब धीरे धीरे धूप यहाँ को आ जाएगी, जैसे धूप देखो अभी तक यहाँ पे पहुँची हुई है, जब थोड़ी सी और अंदर कुछ ले आएगी तो फिर ब्रैडो यहाँ से उठ के कहाँ चले जाएगा? अंदर चले जाएगा। और मोगली तो पहले से ऑलरेडी अंदर ही है। मोगली कहाँ पे है देखो, मैं आपको दिखाता हूँ मोगली का। तो मोगली यरी, मोगले, तो मोगली यरी और ब्रैडो बाहर है। और ब्रैडो को अब ला के यहाँ बांधा जाएगा भाई, ब्रैडो को भी यहाँ रख दिया जाएगा। इससे क्या होगा कि ऊपर हम पंखा चला देंगे तो आराम से उनको दोनों को ठंडक बनी रहेगी। हालांकि इसके लिए भी पंखा है। हाँ भाई मोगले, ये देख सकते हैं भाई मोगले, मोगले का हेड साइज देखो, ये देखो मोगले, मोगले चलो चलो चलो, तो देख सकते हैं भाई मोगले को भी। हाँ, ये देखो, ये रही बड़ी माँ। बड़ी माँ थक गई है। बड़ी माँ पानी लाऊँ मैं? पानी पिलाऊँ? पंगा चला देता हूँ? नहीं। देखो भाई कितना पसीना निकल गया है बड़ी माँ का। अरे भैया होता ही है, फिर तो गर्मी के दिन ठहरे। गर्मी के दिन है और इसलिए हो रहा है ये। हाँ। पहाड़ों में तो इतना गर्मी नहीं लगती होगी तुम्हें? वहाँ नहीं लगती है? नहीं। पहाड़ कौन सी जगह के हो तुम? पहाड़ कौन सी जगह रहते हैं आप? हम रहते हैं भैया तड़कताल में। तड़कताल कहाँ हुआ है? चकुटिया अल्मोड़ा? चकुटिया गेवाड़। चकुटिया गेवाड़? हाँ। गेवाड़ के हो तुम? गेवाड़ के हूँ हम। अच्छा, गेवाड़ के गेवाड़ी। अच्छा, गेवाड़ क्यों बोलते चकुटिया को? गेवाड़ ठहराओ। क्यों? वो गेवाड़ इसलिए कहते हैं। हाँ। जो वो था, क्या नाम कहते हैं, मालशाही। अच्छा, मालशाही है गेवाड़ क्या? मालुशाही। मालुशाही और राजूला क्या है? भोटन, भोट का, भोट का, भोटा मतलब नेपाल, भूटान। हाँ, भूटान। नेपाल का, भूटान का? भूटान का। अच्छा, भोट देश बोलते हैं उसे हम। अच्छा, जो उनकी लव स्टोरी है, प्रेम कहानी जो है। हाँ। जिसकी मैंने तुम्हें फिल्म दिखाई थी। हाँ, वो ठहरा गेवाड़ का राजा, जो लड़का है उसमें। हाँ, राजू मालुशाही। मालुशाही। हाँ, वो ठहरी भूटान की। तो इसमें बाद में होता क्या, लास्ट में मिलते नहीं मिलते हो दोनों? मिलते तो हैं। तो वो आती है सचमुच, वो नेपाल से वहां पहुंच जाती है। हाँ, वो वहां पहुंच जाती है, उसको सपने होते हैं राजे को, राजा को, मालुशाही को। मालुशाही को? अच्छा, मालुशाही से कहते हैं, अगला मैं अपने बाप की लड़की हूँ, अपने माँ के दूध पिया है मैंने, मैं तेरा गेवाड़ पहुँचा, तेरा बैराट, तेरा बैराट में पहुँच गया। अच्छा, तू अपने माँ के दूध पिया होगा तूने, तू मेरा भूटान पहुँचेगा। फिर भूटान जाता नहीं जाता मालुशाही? तभी तो जाते, 9 लाख कजूर नहीं जाते हैं क्या? 9 लाख कजूर कहाँ लगती हो? 9 लाख कजूर जाते हैं वहाँ।
भोट देश, भोट देश जाते हैं। अच्छा, वो बाजा गाजा लेके। तो मामा कौन सा ली जाकर लगाते हैं? है? मामा 9 लाख की कचोरी लगाते, नहीं लगाते? नहीं आती है। हाँ? कितने दिन चलती है वो? कितने दिन भी, 9 दिन भी चलती है, 3 दिन भी चलती है, 5 दिन भी चलती है। मामा को 9 दिन वाली भी आती है? हाँ? सारी सारी कहानी सब याद है मामा को? सब याद है। तो भाई मेरे मामा भी लगाते हैं ये। हाँ? तो तुम भी चिकन खाते होंगे जब वो लाते होंगे तो? खूब? हाँ, खूब खाते हैं। कि कितने फट्टे लगाते हो? लाते हैं, है? लाते हैं, हंकार की बकरी लाते हैं और पूजा के लाते हैं। अच्छा, और हमको पूजे के लाते हैं। और जो मैंने तुम्हें फिल्म दिखाई थी वो फिल्म सही है? ऐसी है वो फिल्म? तो अच्छी है ना वो? हाँ, वही तो कह रहा। वहाँ वहाँ नहीं जाता है वो, ये भोट देश नहीं, वहाँ वहाँ जाते हैं घूमने के लिए। तो दोस्तों मैंने इनको फिल्म, मैंने राजूला मालूशाही की फिल्म, एक फिल्म भी है राजूला मालूशाही पे, तो मैंने उनको दिखाई थी। मैं तो भूल ही गई यार, ये वहाँ क्या है, ये उडे खान के ऊपर क्या मंदिर है वहाँ का, याद ही नहीं रहती है। जाओ, दोनों मंदिर में भी जाते हो? हाँ, लखनपुर, लखनपुर। अच्छा, लखनपुर कह रहा हूँ। अच्छा, वो फिल्म में भी जाते हैं दोनों? हाँ, लखनपुर और तुझमुज मंदिर में जाते हैं, वही वैसी मंदिर है वो। हैं? हाँ, आप तो बन गया होगा पहले। तो दोस्तों आप भी देख सकते हैं राजूला मालूशाही की एक बायोग्राफी है, लव बायोग्राफी है वो। तो आप अगर यदि देखते हैं तो यकीनन आपको उसमें बहुत कुछ देखने को, सुनने को और जानने को मिलेगा, और आपके अंदर ये इच्छाएं जागेंगी कि मैं वाकई में वहाँ गेवाड़ जाऊँ, मतलब कि चखुटिया जाएं और देख के आए, रंगीला बैराट। अच्छा, उसको मालूशाही को जहर भी तो दे देते हैं वो? तभी तो वही भूटान में तो देते हैं। भूटान में देते हैं? अच्छा, राजूला का बाप देता है ना? राजूला का बाप? बाप देता है। अच्छा, जबकि उन्होंने नोट पिठाई लगा रखा था। पिठाई भी लगा दी थी? हाँ, और राजूला की माँ और वो मालशाही के बाप और क्या नाम कहते हैं वो, सुनपता शौक। हाँ, और मालशाही के बाप, उसका नाम भूल गया हूँ। वो था एक वो सुनपत सौकार और नहीं, मुझे भी याद नहीं है यार। हाँ, बाप का याद नहीं। मम्मी, ओ किसके बाप का नाम, वो मालूशाही के बाप का नाम क्या था? हाँ, मालूशाही का बाप का नाम, हाँ उसका नाम। उनका एक का नाम तो सुनपत सौकार था, दूसरे का नाम क्या था? अरे सुनपत तो है चौहार? नहीं नहीं, वो तो एक राजा था, मैं तो नाम भूल गई यार उसका। तो तुम नानी नाम थोड़ी जो तुम नाम भूल चुके हो तो याद करो, कौन था मम्मी? हो नहीं, जवाहरलाल तो वो ठहरा सुनपत शौक। हाँ, अरे उसका बाप का नाम राजू मालूशाही का नाम, बाप का नाम भूल गई हूँ मैं। बालूशाही? हाँ, बालूशाही, बालूशाही, बालूशाही। बालूशाही किसका था? वो बालूशाही नाम था उसका, बाप का, बाप का। मालूशाही के बाप का नाम? हाँ, बालूशाही, बालूशाही जो अपना चकुटिया का था। हाँ, गेवाड़। हाँ, बैराट का। कहाँ का था मम्मी? बैराट का, बैराट का, बैराट का था। तो ये है हमारी मम्मी और ये हमारी ठुलरिया। चकुटिया को ही कत तो कहते हैं, बैराट वही तो है, बैराट चकुटिया को तो कहते हैं। अच्छा, जो अपना, जो अपना ननिहाल है उसको क्या? हाँ, वो सब बैराट है। बैराट है वो, बैराट के रहने वाले हैं हम। आप भी, तुम भी। और फिर तुमने कहानी सुनी है वो वाली? क्या नहीं सुनी? वो मेला लगता, नहीं लगता उनकी याद में कोई ऐसा? नहीं लगता है मेला। कहाँ पे लगता है ठुलजू? मेला लगता है कठूर में, बागेश्वर में, बागेश्वर में लगता है। इनकी बातचीत हुई बागेश्वर में हुई, वो लड़के लड़की की। हाँ, वो अच्छा, वो भी मेले में मिलते होंगे दोनों ने। हाँ, बागेश्वर में उसकी मम्मी और वो, तब तो ये तो पेट में जन्मे भी नहीं थे। हाँ, अच्छा। हाँ, तो उसने कहा, सुनपत शौक ने कहा, मेरी लड़की होगी तुम्हारा लड़का होगा, मैं अपनी लड़की तुमको दे दूंगा। उनके याराना लग गया ना। अच्छा, व्यापार करने जाता है वो। हाँ, वो व्यापार करने गया है। हाँ, और मालूशाही जो गया है वो मेले में गया। मालूशाही तो हुआ ही नहीं है, मालूशाही तो वो हुआ ना लड़का। हाँ, मुझे लगता है कि वो होता है नेपाल वाला जो राजा होता है ना, नेपाल के राजा का नाम क्या है? जवाहरलाल। सुनपत शौक है यार, सुनपत शौक है।
सुनपत शौक आता लड़की के लिए, लड़की मांगने के लिए बागेश्वर भगवान की पूजा करने के लिए, भगवान की पूजा कर रहे हैं करके वो हमें लड़की मिल हो जाए। हाँ। और वो बोलता कि जो राज मालू साहब का बाबा बोलता कि मेरा लड़का हो जाए। हाँ, वो तब वो दोनों बोल देते हैं वहाँ पे धुनी रम रही थी, इधर से बैठे हैं सुनपत शौक, इधर से बैठे हैं वो माल साहब के बाबू और माँ है, हमारे बच्चे हो जाए। अच्छा तो वो दिख रहे वहाँ। अच्छा वो कह रहे हैं उनकी याराने लग गई दोनों की। अच्छा हम तो व्यापार में आए, वो कहते हैं हम तो पुत्र मांगने को आए। वो कह रहे हैं फिर वो राजा मालसाई से कह रहे हैं वो क्या कहा तुमने अभी मालूसाई ना। अच्छा मालूसाई, अरे वो ये बोलते कि अगर मेरा लड़का होगा या तुम्हारी लड़की होगी, मालूसाई से बोल रहा वो सुनपत शौक, तुम्हारा लड़का होगा मेरी लड़की होगी तो मैं तुमको दे दूंगा। अच्छा यही वाली स्टोरी है, वहीं से स्टोरी है, उसी दिन की स्टोरी है। अच्छा तो फिल्म में देख दिखा भी रखा है। अच्छा एक दूसरे को उन्होंने टीका लगाया समझी समझी नहीं। अच्छा नहीं। और टीका लग गया तो मतलब बात पक्की हो गई है मम्मी, बात पक्की हो गई, पेट में भी पीछा लग गया उनको। अच्छा बात पक्की हो गई, अब हो गई राजूला वहाँ, तब जाके वो कहानी बनती है, तब जाके बनती है उसी दिन से बनती है ये कहानी। अच्छा बनते 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 सारे 9 लाख कचूरू दल में जाता है वो। अच्छा नाना अब वहाँ से बता, जब उसका मालू साई का बाप खत्म हो गया कुछ बीमार से। हाँ, वो तो खत्म हो गया, फिर वो खत्म हो गया तो उन्होंने ये कहा कि ये जो ये लड़की थी ये हमारे लिए शुभ नहीं है, शुभ नहीं है, और उन्होंने कह दिया होगा। अच्छा कि ये लड़की शुभ नहीं हुई। हाँ। हमारा ऐसा ऐसा था तो ये शुभ नहीं हुई। अच्छा तो उन्होंने वो रिश्ता उस नाता को छोड़ दिया उसकी माँ ने। तो दोस्तों ये तो था इस स्टोरी का पार्ट वन, और पार्ट टू में अभी हम बताएंगे कि क्या क्या हुआ था और कैसे कैसे हुआ था, क्योंकि वीडियो कम से कम 10 से 11 मिनट की बन चुकी है। आप देखिए इस वीडियो को और बताइए कैसी लगी आपको वीडियो, उसके बाद सेकंड पार्ट में इसका कली डाल दूंगा तो आप उसमें भी देख लेंगे कि कैसे क्या क्या हुआ था। बड़ी मैं आप बताओगे ना कल क्या क्या हुआ था पूरा। बताऊंगा, ठीक हो गया। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।